ऐसे दिखाई देती है जैसे एक कोई छोटा सा घी का दीपक रखा हुआ है और उसके बगल से हम निकल के जा रहे हैं। ये महिला यहाँ पूर्णिमा के दिन लाखों लोग इस दृश्य को देखने के लिए यहाँ आते हैं। आज भी प्रहलाद जी यहाँ रक्षा करते हैं और पूर्णिमा के दिन होली उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जय जय श्री राम। अभी अभी आपने सुना, यही वह स्थान है जहाँ पर वास्तविक होली जली थी। भक्त प्रहलाद जी को गोद में लेकर होलिका बैठी थी। ये उस होलिका की स्थान है और आज हम 84 को उस परिक्रमा में उसी दिव्य, ये इस स्थान को देखिए जो लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, यहीं पर विशाल ये जो होली जलती है, जो असली होली यहीं पर जली थी होलिका, जिसे आज पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो आप आइए कभी और देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि इस प्रज्वलित अग्नि में एक व्यक्ति जीवित निकल जाता है और उसे अग्नि स्पर्श निकलती। प्रहलाद जी को लगता है जैसे कोई छोटी सी ज्योत के रूप में आई और चली गई। इस प्रकार से ये प्रहलाद कुंड है, कुंड का दर्शन करें। हल और कन्हैया को, कन्हैया को आयुध है बंसी। कन्हैया की आयुध क्या है? और दाऊ जी हल और हल से खींचते और मूसल से, दाऊ जी ने मूसल सो यमुना जी को खींच दियो। ऐचा दाऊ, ऐचा माने खींच दियो यमुना जी को। तो यहाँ यमुना जी टेढ़ी है गई है। जमुना रस रानी की जय। दाऊ जी महाराज की जय। दोनों सत्य ही याद रखेंगे, ज्यादा कथा हमको याद नहीं। यहाँ से बिहार वन, बिहार वन को प्रस्थान करेंगे गाड़ी में। हम लोग आते हैं अभी ऐचा दाऊ जी, जहाँ बलराम जी ने यमुना जी को आदेश दिया कि मेरी गोपियों को प्यास लगी है, इनकी प्यास के लिए आप जल की व्यवस्था करो। यमुना महारानी नहीं आई तो हल से ऐंच दियो, इसलिए इसको ऐंचा दाऊ जी कहते हैं। देखिए भौगोलिक रूप से हमारे तीर्थ कितने शाश्वत और सनातन हैं, कितने स्वयं सिद्ध तीर्थ हैं। यमुना जी यहाँ से बिल्कुल टेढ़ी हुई हैं, गोलाई में जा रही हैं, जैसे मानो खींच दिया वो हल से। तो हमारे जो तीर्थ हैं उन तीर्थों की प्रासंगिकता इसी से सिद्ध होता है कि सनातन धर्म कितना महान। और अब यात्रा का पड़ाव बिहार वन की ओर, जहाँ कन्हैया ने विहार किया अपनी सखा और सखियों के साथ। ये बिहार वन है, बहुत सुंदर, और यहाँ का ये दिव्य कुंड है बिहार कुंड। आज हमारे यात्रा का अंतिम पड़ाव है, सब लोग संकीर्तन करते हुए जहाँ भी जाते हैं वहाँ बैठकर मित्र संकीर्तन करते हैं। समूह में चलकर संत के सानिध्य में चलने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हमें संकीर्तन और सत्संग दोनों प्राप्त होता है और बड़े बड़े संतों का दिव्य सानिध्य प्राप्त होता है, बड़े बड़े संतों का सानिध्य। तो ये देखो, ये बिहारी जी का दर्शन भी आपको कराऊंगा।